नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 19 अक्टूबर। ओवरऑल एग्री को अगर देखना है तो एग्री इंडेक्स देखेंगे तो हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है एग्री इंडेक्स में कैसा मूव रहा है। तो अगर हम पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो एग्री इंडेक्स में एक सुस्त कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा 1150 से लेकर 1175 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया और ऐसा ही कुछ रिप्लिका हमने पूरे मार्केट में आते भी देखा। नो डाउट वॉलिटिलिटी थी कुछ आइटम में, मानसून को लेकर जिस ढंग से कुछ बरसातें महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात और आंध्र प्रदेश में पड़ा, उसका भी इम्पैक्ट हमने काफी क्रॉप पे पड़ते हुए देखा। अगर स्टार्ट करते हैं हम एडिबल ऑयल पैक से तो जहाँ पे हमने बेतहाशा अच्छी तेजी आते हुए देखी। सोयाबीन में 2.25% की तेजी थी, मस्टर्ड में 2.5% की तेजी थी, कैस्टर में 3.5% की तेजी थी। सीपीओ में हाई लेवल से हमने प्रॉफिट बुक भी होते हुए देखा, जहाँ 807 का लेवल छूने के बाद 776 तक का भी लेवल हमने लो बनते हुए देखा। वहीं सोया रिफाइन में भी 946 का हाई देने के बाद 920 का भी लो टच करते हुए देखा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं एडिबल ऑयल पैक में 3-4 कारण था। एक तो इंटरनेशनल से सप्लाई कंसर्न के चलते तेलों में तेजी थी, उसी का असर हमने मस्टर्ड में कैस्टर में भी बनते हुए देखा और साथ में सोयाबीन में हमने क्रॉस डैमेज का भी होते हुए देखा, जिसके चलते भी प्राइजेस में एक उछाल बनते हुए देखा। ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर तेजी का रुख रह सकता है। वहीं मसालों की बात करें तो हल्दी में हमने सांगली और आंध्र प्रदेश में जो बारिश की वजह से डैमेजेस होते हुए देखा, जिसका एक सीधा सीधा असर हमने हल्दी में आते हुए देखा 3% का। वहीं गुजरात में भी अब अगले 2-3 सेशन बारिश काफी ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते जीरा धनिया इनमें आपको ध्यान रखकर ट्रेड करना है जहां पे हम तेजी अच्छी देख पाएंगे। गवार सीड गवार गम फ्लैटेंड है, वीक ऑन वीक गिरावट जरूर है बट मार्केट स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए गवार में हमें 4200 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। 4200 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट एक दायरे में रहेगा। वहीं गवार गम की अगर बात करें तो 6400 का लेवल तोड़ने पे ही एक बड़ी तेजी का रुख देख पाएगा। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने कॉटन सीड ऑयल केक को छोड़कर कॉटन और कपास में बेतहाशा अच्छी तेजी देखी है जो अभी भी कायम रह सकती है। चने में हमने एक हायर साइड से ड्रॉप जरूर देखा है बट फिर से तेजी का रुख बन जाएगा। आज के सेशन की अगर बात करें तो सोयाबीन तेजी का रुख कायम है, जब तक 4100 के ऊपर टिका हुआ है हम 4250 से 4300 तक का लेवल देख पाएंगे। चने में आज तेजी का रुख रहेगा, 5400 का लेवल होल्ड कर चुका है तो 5480 से 5500 का लेवल दिखा देगा। वहीं मसालों के अंदर भी पूरी तेजी, आज ओवरऑल मानसून फैक्टर की वजह से भी और डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल हर्डल की वजह से पूरे ही काउंटर में तेजी का रुख रहेगा। ऐसे में आप एनसीडीएक्स में एग्रीटेक इंडेक्स लेके चल सकते हैं जो ऊपर में 1175 तक का लेवल जाता हुआ दिखा सकता है। इंटरनेशनल में भी कॉटन 70 सेंट के ऊपर जा चुका है, सोया मिल में तेजी है, सोयाबीन में तेजी है, जिसका सीधा सीधा असर आज डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। गवार गम का अवर्ली चार्ट अगर हम देखें तो जब तक 6150 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट दायरे में रहेगा, ना 5950 का लेवल तोड़ पाएगा ना 6150 का लेवल तोड़ पाएगा। वहीं सीपीओ डाउन ट्रेंड या हम फ्लैग पैटर्न में हम बोल सकते हैं, एक बार प्राइजेस 790 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो हम एक ब्रेकआउट देख पाएंगे 815 का, अदरवाइज मार्केट दायरे में रहेगा क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे।